हेलो गाइस, दिस इज रुस्तम खान फ्रॉम इंटीग्रल क्लासेस। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो गाइज, ये तो थी डेफिनेशन की बात, लेकिन एक्चुअल में एक्सेलरेशन वर्ड यूज कब होता है? सो अगर हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं और हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, नो मैटर ये वेलोसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन वर्ड यूज होता है। और एक्सेलरेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जो चेंज के बाद हमारी फाइनल वेलोसिटी है माइनस जो हमारी स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी थी अपॉन जो चेंज होने में टाइम यूज हुआ है। सो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, जहां पर ए एक्सेलरेशन को शो करता है, वी फाइनल वेलोसिटी को, यू इनिशियल वेलोसिटी एंड टी टाइम टेकन। सो गाइज, एक्सेलरेशन की SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो गाइज, एक्सेलरेशन के अंदर डायरेक्शन मैटर करती है। सो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन में डायरेक्शन मैटर करती है, तो अगर हमारा चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो सेम है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। सो गाइज, मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया आप लोगों के लिए। जैसे एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और वो अपनी वेलोसिटी को सेम डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करता है, और वो अगेन वेलोसिटी इंक्रीज़ करके 90 किलोमीटर पर आवर पे आ जाता है। सो गाइज, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम डायरेक्शन में है जिधर कार मूव कर रही थी। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में गाइज हमेशा वेलोसिटी इंक्रीज होती है, सेम एज अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी अपोजिट है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन कहलाएगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पर फिगर बनाया, एक कार है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रही है और वो सामने एक पर्सन को आते हुए देखती है और ब्रेक्स अप्लाई करती है, जिससे उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। सो गाइस, यहाँ पर जो ब्रेक्स अप्लाई किए गए हैं वो चेंज इन वेलोसिटी है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। सो गाइस, इस तरह के एक्सेलरेशन को निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। सो गाइज, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो गाइज, जब भी चेंज इन वेलोसिटी जो है चाहे वो इंक्रीज है या डिक्रीज है, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज हो, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया, एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मूव कर रही है और वो 20 सेकंड्स में 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन करती है, और अगर वो फिर नेक्स्ट 20 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी अटेन करती है, तो उसने फर्स्ट 20 सेकंड्स में 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड गेन की और फिर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में फिर 20 किलोमीटर पर आवर गेन किया। तो इस तरह से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसके एग्जांपल है मोशन ऑफ बॉल रोलिंग डाउन इंक्लाइंड प्लेन या फिर मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। सो गाइस, एक्सेलरेशन का सेकंड टाइप है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है अनइक्वल अमाउंट में फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। सो गाइज, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया, एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और वो फर्स्ट 20 सेकंड्स में अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है अप टू 60 किलोमीटर पर आवर और नेक्स्ट 20 सेकंड्स में अपनी वेलोसिटी इंक्रीज़ करता है अप टू 90 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज, यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट 20 सेकंड्स के लिए जो इंक्रीज इन वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन नेक्स्ट 20 सेकंड्स के लिए इंक्रीज इन वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है। सो गाइज, यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इंक्रीज इन वेलोसिटी अनइक्वल है, तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं।